जस्ट, और ये सामने यहाँ पे, अरे नाग देवता सो गाइज फाइनली गेट आ गया सिम नागराजा भगवान जी का। कुछ नहीं ना, जो चाहिए हे गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। सो गाइज़ आज हम जा रहे हैं सेम मुखे मंदिर। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि नागराजा भगवान अवतरित हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारे गुरु महाराज अजय विजलवान जी में भी नागराजा भगवान प्रकट होते हैं, तो विष्णु भगवान का ही एक अवतार है नागराजा, और आज हम उसके मंदिर जा रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, फैमिली ब्लॉग है तो देखना और इन्जॉय करना, बस यही बोलूँगा। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 होने वाले हैं शायद से, तो बस हम निकल गए हैं। बस बाकी आप रास्ते का व्यू देखो, और अभी सब रात ही है, सब सो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। एक्चुअली मैं अभी गांव में हूँ, ठीक है, और अभी रात है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो आपको पता है कि मैं क्या करने को बोलता हूँ, लाइक करने को बोलता हूँ, शेयर करने को बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, तो प्लीज़ आप वो सब करना। और ये हमारे कमांडो सर भाई के साथ यात्रा करने से मुखे मंदिर जा रहे हैं, और ये और कमांडो में, ठीक है। वैसे इनकी आइडेंटिटी बतानी नहीं चाहिए, लेकिन अपने ही है, चाचा है, तो इसलिए बस बाकी आप ब्लॉग में बने रहो, और मिलते हैं सीधा मंदिर में। तो दोस्तों अभी हमें घर से निकले हुए सिर्फ 40-45 मिनट हुए, और हम लोग ने आई थिंक 20 किलोमीटर कवर कर लिया है, काफ़ी दूर है। और आप देख सकते हो उत्तराखंड में आपको भेड़ बकरियाँ तो दिखेगी। तो जैसे सर्दी का मौसम आता है तो जहाँ पे ये लोग रहते हैं भेड़ वहाँ से नीचे आ जाते हैं थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में रहने के लिए, ठीक है। और अब हम पहुंच चुके हैं चंबा कम से कम 70 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, 70 या फिर 65 समथिंग, एग्जिट मुझे पता नहीं है। और यहाँ से सुरकंडा देवी का रास्ता भी जाता है, ठीक है, और ये यहाँ पे चंबा बाज़ार, ठीक है। और अब नीचे की तरफ हम गए हैं, और सामने देखिए आप, पहले तो हमें उधर जाना है, अभी उसके जस्ट पास, बहुत पास हम जाएंगे, ठीक है। और पहले सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो पहले चाय के लिए रुकते हैं, ठीक है, फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो हैव अ टी ब्रेक। सो गाइज एक एक करके मैं आपको पहले अपने फैमिली से मिलाता हूँ, ठीक है। तो इनसे तो आप मिल ही गए थे, और ये हमारे ड्राइवर भैया सूरज भाई, और मम्मी, चाची और दूसरी चाची, ये मेरी बहन छोटी आरू, और ये अन्नू, और ये सक्षम, और ये मेरे चाचा। हेलो, तो अब चाचा बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं आज। आज हम जा रहे हैं नागदा के धाम से मुखे। हाँ, और इसको लेके जा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, दादी आगी, और ये मेरी दादी, ये भी दादी, और ये देव, और ये चाचा। तो बस मेरे को तो आप जानते ही हो, ठीक है गाइस। तो अभी हम सिर्फ चाय पीने के लिए रुके हुए थे, सुबह निकल गए थे जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। और बस चल रहे हैं, मिलते हैं आपको सीधा, अभी डोबरा चाटी पुल के पास पहुंचने वाले हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डोबरा चाटी पुल, उसके वो क्रॉस करके जाएंगे टिहरी झील, जो उत्तराखंड की फेमस है। अबे सीन दिखा दे। बस तो गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था डोबरा चाटी ब्रिज, तो ये है डोबरा चाटी ब्रिज, ये टिहरी डैम के जस्ट ऊपर है, और मतलब नीचे लेक है, ऊपर ब्रिज है। जैसे कि आपको पता है ब्रिज तो मतलब क्या होता है,
ठीक है, तो अभी हाल ही फिलहाल में इसको बने हुए आई थिंक 1 साल हुआ है, और जिसकी आप बात करते हो टीरी लेक टीरी डैम, तो ये है वो टीरी लेक और टीरी डैम का पानी। ठीक है, और अगर आप उत्तराखंड में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि टीरी लेक फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं, सेम मुखेम नागराजा भगवान का मंदिर है। यहाँ से सेम मुखेम 34 किलोमीटर दूर है। सेम मुखेम की मान्यता है भगवान विष्णु अपनी धर्म की बहन से मिलने आए थे, और जब वो अपनी धर्म की बहन से मिलने आए तो उनको वो जगह इतनी भा गई थी कि उन्होंने वहाँ रहने का विचार करा, और जो उनके ब्रदर इन लॉ थे तो उनसे बोला कि मेरे को यहाँ पे ज़मीन दे दे थोड़ी सी, मैं रह लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। तो उन्होंने उनको मना करा, और गंगू रोमोला जी उनका नाम था, उन्होंने उनको मना करा। और जब विष्णु भगवान को मना करा तो विष्णु भगवान ने क्या करा, उनको कष्ट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, शरीर जैसे स्किन प्रॉब्लम रिलेटेड सब चीज़। और गंगू रोमोला जी की कोई संतान नहीं थी, ठीक है, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने उसे बोला, मैं तुझे सब चीज़ दूंगा, तू मेरे लिए कर, मंदिर बना। देन उनके बीच विवाद हुआ, उन्होंने मना करा, फिर उनको प्रॉब्लम्स आई, वो विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने कहा मैंने कहा था मेरे लिए मंदिर बना, तो देन उन्होंने सोचा, उन्होंने मंदिर बनाए। तो कहा जाता है कि उन्होंने 6 बार ट्राई करा पर 6 बार वो मंदिर नहीं बन पाया, क्योंकि सच्चे मन से नहीं बनाया उन्होंने। तो वो दोबारा विष्णु भगवान के पास गए, उनसे बोला कि अब तो मैं आपका मंदिर बना रहा हूँ, अब क्यों नहीं बन रहा। तो उसने विष्णु भगवान जी ने उन्हें कहा कि क्या आपने अभी सच्चे मन से बनाया कभी। तो फिर उन्होंने कोशिश करी, फिर मंदिर बनाया, जो अब सेम मुखेम इसका नाम पड़ा है। वो गंगू रमोला जी ने वहाँ पे वो चीज़ मंदिर की स्थापना करी, बनाया, विष्णु भगवान को जगह दी। फिर उनकी कोई संतान नहीं थी, विष्णु भगवान, कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने उनकी एज के साथ 2 संतान और दी थी। ठीक है, और उनकी एज भी बड़ी कर दी थी, संतान भी दी उनको, सब चीज़ अच्छा खासा हो गया, एवरीथिंग फाइन बिल्कुल। तो ये स्टोरी है सेम मुखिम भगवान की। और आप एक चीज़ आपने गौर करी होगी, अगर आपने देखा होगा वीडियो में कि लोग घास के लिए जा रहे हैं, तो ये गढ़वाली लाइफ स्टाइल है। ठीक है, यहाँ सब ऐसे ही होता है। उत्तराखंड आओगे तो आप उत्तराखंड के बारे में जान पाओगे, और मुझे तो उत्तराखंड में घूमना ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके आप भी बताना कि आपको उत्तराखंड कैसा लगता है, ठीक है, और क्या क्या अच्छी बातें लगती है उत्तराखंड के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताना। कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना, और एक चीज़ और गौर करना, आप सारे घर ना सेम लग रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता कि क्या बोलते इसको, जो ऐसा वाला लकड़ियों वाले घर बनते हैं, मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता, पर हाँ जो भी है फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और आगे जाके आपको देखने को मिलेंगे सीढ़ीदार खेत। पहले आप एक घर देखिए, सारे A to Z एक ही डिज़ाइन करे हुए, आप सोच रहे हैं होटल्स वगैरह, नहीं, ये घर हैं जो ऐसे हम लोग रहते हैं अपने घर में वैसे ही लोग, और ये हैं सीढ़ीदार खेत। बहुत लोग इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं बाहर के कि उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेत होते, तो वो ऐसे दिखते हैं सीढ़ीदार खेत। ठीक है, और अब हम सेम मुखेम मंदिर पहुंचने वाले हैं, आई थिंक लास्ट गांव है, उसके बाद हम सीधा मंदिर के दर्शन करेंगे। और ये देखिए पहले आप नेचर, नेचर का व्यू, सामने पर्वत और वो भी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई। तो बस वीडियो में बने रहिए, एंजॉय करो, मज़े लो, बस देखते रहिए वीडियो। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है, सेम मुखेम, अभी मंदिर टॉप में, और ये नीचे का कुछ व्यू है इस कदर, ठीक है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब मेरे सर पे चावल क्यों लगे हैं, तो जब कभी भी गढ़वाली रीत है कि जब फैमिली के साथ मंदिर जाते हैं तो ये चीज़ लगता है। और जैसे आप लोग टीका लगाते तो गढ़वाल में चावल के साथ हल्दी, जैसे मतलब जो विष्णु भगवान है, आपको पता है विष्णु भगवान का सबसे जो फेवरेट कलर है वो पीला है, तो वो चावल के साथ मिक्स करके, तो इसलिए ये लगाते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, व्यू सबसे पहले तो, ठीक है, आप वो सामने देखो हिमालय पर्वत, ठीक है, उसके बाद ये कुछ ग्राउंड नज़ारा,
और मंदिर आपको एक सेकेंड, ये चीज़ दिख रहा है बीच में जस्ट यहाँ पे, यहाँ है मंदिर और यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, ठीक है। और अभी रुके हैं नीचे, थोड़ा मूड फ्रेश वगैरह, चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब गढ़वाली है तो आपको पता ही है गढ़वाली की खास बात, चाय मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बस अब चाय पियेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे, फिर चलेंगे ऊपर। पर हाँ, इधर ठंड भी बहुत है क्योंकि जस्ट आपने सामने देखा ही है हिमालय पर्वत। तो बस सो गाइस, अब चलना स्टार्ट कर लिया है और अभी भी आप देख सकते हो यहाँ का रास्ता वैसी है जैसे पुराने लोगों का रहता था। अजय भाई के साथ आए थे, अगर आपको याद होगा वो व्लॉग मैंने डाला था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने हटा दिया था। और मेरी दादी और पे थक लग गई, हाँ, तो इनको बस हमने ओवरटेक कर लिया, अब जा रहे हैं आगे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो आपको पता है मैं क्या करने को बोलता हूँ, लाइक शेयर कमेंट। और मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है। और कमांडो सर पीछे से आ रहे हैं प्रसाद लेके, और ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ का लोकेशन कितना प्यारा है। और भी उधर ऊपर जाना टॉप में, तो बस आप व्लॉग में बने रहो, एंजॉय करो बस, और वीडियो को शेयर करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था धीरे धीरे मैं किस किस को ओवरटेक कर रहा हूँ। तो ये चाची है, ठीक है। और ये चाचा, एक एक करके सबको ओवरटेक। और अभी और भी हैं, ये रहे सारे। ये मम्मी, ठीक है, चाचा मेरा छोटा भाई, बहन और ये चाची, ठीक है, और एक और भाई। और ये सब फिर पीछे और मैं आगे। बस पर बहुत थक लग गई, कहीं कहीं पे पक्का बना रखा है, ठीक है। और ये यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है यहाँ पे, तो लोग थक जाते हैं। और उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की खास बात आपको पता ही है ये चीज़, ठीक है, जगह जगह मंदिर। और क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर चीज़ का सम्मान है, कोई भी देवता हो वहाँ सबका सम्मान करते हैं। और साथ साथ आप सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आप उत्तराखंड में किसी के यहाँ भी जाओगे, ठीक है, तो वो बैठ के आपको चाय और पानी ज़रूर पूछेगा आते समय भी और जाते समय भी, ठीक है। ये उत्तराखंड की खास बात है। तो बस व्लॉग में बने रहो, एंजॉय करो। सो गाइस, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, ठीक है, और हिमालय पर्वत, बाकी नीचे गांव का व्यू,
ऊपर हिमालय पर्वत देख सकते हो आप नज़ारा, और ऐसा रास्ता है जंगल ही जंगल। और भक्त लोग भी आ रहे नीचे, कुछ ऊपर जा रहे कुछ नीचे आ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और सबसे पहले वो छोटा, बाकी सारे पीछे, वो सबसे तेज चल के आगे आ गया। ये कमांडर चाचा, ये तो फ्री में आया गोद में चढ़ के। हेलो कर दे, हेलो हेलो, नमस्ते करो, नमस्ते बोलो, लाइक बोल, लाइक लाइक शेयर ऐसे ऐसे बोल, शेयर ऐसे करो, लाइक ऐसे करो, ऐसे लाइक, हाँ ठीक है, लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कर दो चैनल को। गाइस आप ना एक चीज़ देख रहे होंगे मंदिर में, पहले बता दूं कि मैं आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे सबने ना घंटियाँ बांध रखी है। तो ये घंटियाँ क्यों है, ये घंटियाँ इसलिए है कि यहाँ पर जिनकी मन्नत और मनोकामना पूरी होती है वो सब यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो ये सब है, और ये मेन गेट सेमनार जब भगवान का। सो गाइस फाइनली गेट आ गया सीम नागराजा भगवान जी का, और वो मेन मंदिर। और दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, और जैसे कि आप लोग सब समझते हैं कि उत्तराखंड में सिर्फ चार धाम हैं, तो नहीं जी, उत्तराखंड में पांच धाम हैं। पांच धाम की मान्यता भगवान सेम नागराजा मंदिर को मिल गई है। उत्तराखंड के लिए बहुत खास बात है और गर्व की बात है कि उत्तराखंड में एक और धाम की स्वीकृति भी मिल गई। अभी मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले गूगल में पढ़ा था, और एक दो महीने पहले समथिंग न्यूज़ में भी आया था कि भगवान सेम नागराजा जो मंदिर है उसे पांचवां धाम की मान्यता मिल गई है। अब चलते हैं अंदर। ये पूरी गंगू रमोली जी की फैमिली, और इधर ये, और ये देखिए सामने हिमालय पर्वत जस्ट, और ये सामने यहाँ पे अरे नाग देवता विष्णु भगवान के अवतार, ठीक है। और ये हवन कुंड, सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट सामने हिमालय पर्वत और सेम नागराज भगवान जी का ढोल, जिन जिन की मनोकामना पूरी जाती है वो यहाँ पे घंटियाँ बांधते हैं। और
ऐसे मतलब ये पुरानी गढ़वाली रीत रिवाज है कि जब भी आप यात्रा में आओ तो ढोल और लंगारे के साथ आते हैं। और कुछ इस तरीके का है मंदिर जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो एंजॉय करा, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ तक आए हो एंड तक। बस एक दो बात आपको बतानी है कि मेरी जो वीडियो क्लिप है वो कुछ डिलीट हो गई थी, ठीक है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा और सेव नहीं हुई वो वीडियो, पता नहीं क्यों कैसे, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। बट हाँ, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था, मैं गंगू रमोला जी के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, वहाँ पे उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति है वो दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, बट नहीं हो पाया सॉरी उस चीज़ के लिए, और बाकी मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बस कमेंट करके बताना कि आपको मेरी फैमिली कैसे लगी, कैसे लगा उनसे मिलके, और कैसे लगा मेरा इष्ट देवता का मंदिर, ठीक है। और बस और क्या बोलूँ मैं, यही चीज़ बोल सकता हूँ। बाकी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी मैं आपको और क्या बोल सकता हूँ, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कुछ बोल सकूँ। बस थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।